खड़ा हूँ, ये एक इको पॉइंट है। इको पॉइंट यहाँ से अगर किसी को, एक सिपाही को दूसरे सिपाही से अगर मैसेज पहुंचाने का रहा तो वो इको के थ्रू पहुंचाता है। जैसे कि आप देखिए, तो ये इको जनरेट होगा, उधर से उसको पता चल जाएगा कोई राजा से मिलने आया। जो मेरे पीछे ये आप जो रू ये देख रहे हैं, ये है रंगीन महल। रंगीन महल बोलते उस टाइम का गेस्ट, जब गेस्ट आते थे तो उनको यहाँ रुकाया जाता था, उनसे बातचीत मीटिंग कराई जाती थी, और उनके जब वेलकम में, वो पीछे जो दो देख रहे हैं दो रूम, वो दो रूम बोले वहाँ नगाड़े बजाए जाते थे उनके वेलकम में। वो पीछे दो आपको दो होल दिख रहे होंगे, वहाँ आग जलाई जाती थी उस टाइम पे, और आग जलाने के बाद वहाँ से ना जो पानी गर्म होता था, और पानी गर्म होने के बाद ये पाइप से आता था। आज भी ये पाइप है, एक में था हॉट वाटर, एक में कोल्ड वाटर, यानी जब आप ठंडी है तो हॉट वाटर, जब गर्मी है तो कोल्ड वाटर आप यूज, और ये पाइप डायरेक्ट सीधा जाते थे रानी के हमाम तक, यानी रानी के बाथरूम तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुजम्मिल और आज मैं हूं गोलकुंडा किला पे। तो गोलकुंडा किला को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं, तो मैं आपको पहले उससे पहले गोलकुंडा की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं। गोलकुंडा किला 11th सेंचुरी में बना था, और इसे काकातिया रूलर प्रताप रुद्रा ने बनाया था, और यह 1512 में कुतुब शाह डायनेस्टी के अंडर में आ गया था, और वहाँ से उसके बहुत सारे डेवलपमेंट चालू हो गए। और ये किले के अंदर 720 सीढ़ियाँ हैं, 360 चढ़ने के और 360 उतरने के हैं। तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, और मैं आपको पूरा टूर कराने वाला हूँ इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, और ये बहुत सारे राजाओं के अंडर ये रहा है। बहुत सारे राजाओं ने इस पर कब्ज़ा किए, राज किए, मगर ये कुतुब शाह डायनेस्टी ने इसको अच्छा उसको डेवलप किए, और इसमें बहुत से सारे मिथ भी, और बहुत बड़ा किला ये आप देखेंगे तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो आराम से निकल ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं और इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ जो आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यह है आर्मर बिल्डिंग, यानी असला खाना, जहाँ वेपन्स वगैरह बारूद रखा करते थे। और आज भी आप देखेंगे तो इसके अंदर एक मिट्टी के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोले हैं वेपन्स की तरह, जब उस टाइम पर इसको यूज़ किया जाता था। और इसके अंदर करीबन 150 कमरे हैं जो जिसको यूज़ किया जाता था ओनली वेपन्स रखने के लिए। तो मैं आपको अंदर से भी ले जाके बताऊँगा बाद में, या जो इसके अंदर जो वेपन्स वगैरह क्या क्या है। तो ये उस टाइम का, यानी बारूद खाना बोल सकते हैं, या आपको वेपन्स रखने का आर्मर रूम, तो वो है। तो ये उस वक्त के जो गोले दिख रहे हैं आपको, ये 50-50 किलो के उस टाइम के ये राइफल्स हैं उस टाइम की। पता नहीं इसको कैसे यूज़ करा जाता था उस टाइम पे, मगर आप देख सकते हैं ये अभी तक यहीं है। असला खाना बोलते थे इसको, असला खाना। हाँ, उस टाइम के ये असला खाना बोलते थे, जिसको वेपन्स रहते थे उस टाइम पे। और आप देख सकते हैं यहाँ वो जो बड़े बड़े गोले जो 50-50 100-100 किलो के, वो अभी भी यहाँ है। ये देखिए आप, उठे में यूज किया वो उस टाइम के है अभी तक। वेपन्स अभी भी दिख रहे हैं उस टाइम के, शायद जो बचे हुए होंगे उन्होंने यहाँ इसको वापस रख दिया है। यह बिल्डिंग देख सकते हैं, असला खाना बोलते हैं इसको। जो मेरे पीछे ये आप जो रू ये देख रहे हैं, ये है रंगीन महल। रंगीन महल बोलते उस टाइम का गेस्ट, जब गेस्ट आते थे तो उनको यहाँ रुकाया जाता था, उनसे बातचीत मीटिंग कराई जाती थी, और उनके जब वेलकम में, वो पीछे जो दो देख रहे हैं दो रूम, वो दो रूम बोले वहाँ नगाड़े बजाए जाते थे उनके वेलकम में। और वहाँ से फिर वो जब उनसे काम बातचीत हो जाती थी, काम हो जाता, तो उन इधर से फिर वो रवाना हो जाते थे। तो ये उस टाइम का गेस्ट रूम है, क्योंकि ऊपर ना जाने के लिए तो बाहर के बाहर ही राजा मिलके उनसे, अपने गेस्ट से, उनको इधर की इधर ही रवाना करने के लिए उस टाइम का ये रंगीन महल है। आप देख सकते हैं जब औरंगजेब बादशाह ने इस पर हमला किया था तो ये टूट गया, जब बहुत बड़ा बना हुआ था, बहुत अच्छा था, ऊपर का इसका जो भाग था बहुत बड़ा और खूबसूरत था उस टाइम पे, मगर वो टूट गया अभी तक। तो ये था रंगीन महल। अब दूसरी जगह जाते हैं, मैं आपको और बताता हूँ। खड़ा हूँ, ये एक इको पॉइंट है,
इको पॉइंट यहाँ से अगर किसी को एक सिपाही को दूसरे सिपाही से अगर मैसेज पहुंचाने का रहा तो वो इको के थ्रू पहुंचाता है। जैसे कि आप देखिए, तो ये इको जनरेट होगा, उधर से उसको पता चल जाएगा कोई राजा से मिलने आया हुआ है, और जब मिलने आया, जब उसको पता चलेगा तो वहाँ उससे वो फरियाद कराएगा क्योंकि वहाँ कोर्ट है। तो ये एक मैसेज पहुंचाने का एक उस टाइम का तरीका था जो इजीली जो आज भी काम करता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो वो दीवार है, पीछे वो दीवार जो दिख रही है आपको, जो पहली वाली, उसके पीछे था एलिफेंट, और एलिफेंट घोड़े जो जानवर रहते थे तो उनको रखने की जगह थी, तो वहाँ उसे पीछे दीवार के पीछे रखा गया था। और आप ये साइड जो रख सकते देख रहे हो, ये तारामती पैलेस है। ये एक डांसर थी तारामती, तो इनके नाम पे एक पैलेस थे, और वो है प्रेमामती पैलेस। आप इधर देखिए, ये है प्रेमामती पैलेस, ये उनके नाम पे थी। ये दोनों डांसर थी, राजा ने इनको दो पैलेस दिए थे, और एक तारामती के नाम पे एक मस्जिद भी है। वो आप जो देख रहे हैं यहाँ से, वो तारामती के नाम पे एक मस्जिद बनाई गई थी उस टाइम पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि इन्होंने जो डांसर थे उनको भी अलग अलग पैलेस दिया गया रहने के वास्ते, और उनको भी एक तरीके का उनका भी एक बहुत बड़ा यानी महल में एक बहुत बड़ी जगह दी गई, और उनके नाम पे आज भी मस्जिद है। तो ये तो हो गया। अब मैं आगे चल के आपको दूसरी चीज़ बता, जो देख सकते हैं वो पीछे दो आपको दो होल दिख रहे होंगे, वहाँ आग जलाई जाती थी उस टाइम पे, और आग जलाने के बाद वहाँ से ना जो पानी गर्म होता था, और पानी गर्म होने के बाद ये पाइप से आता था। आज भी ये पाइप है, एक में था हॉट वाटर, एक में कोल्ड वाटर, यानी जब आप ठंडी है तो हॉट वाटर, जब गर्मी है तो कोल्ड वाटर आप यूज, और ये पाइप डायरेक्ट सीधा जाते थे रानी के हमाम तक, यानी रानी के बाथरूम तक। उस देख सकते उस टाइम पे भी जो गीजर वाला सिस्टम था, ये नेचुरल गीजर है, तो उस टाइम पे ये था, वहाँ से पानी गर्म होता था, दो पाइप थे, जैसे कि अकॉर्डिंग आपको ठंडा पानी चाहिए या गर्म पानी चाहिए, उसमें फिर डायरेक्ट हमाम में चले जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कोर्ट है उस टाइम का, यहाँ उधर से कैदियों को लाया जाता था और यहाँ फैसले हुआ करते थे। तो ये आप जो मैं जगह खड़ा हूँ, आप पीछे तरफ देख सकते हैं, तो यहाँ फैसले हुआ करते थे, उस टाइम का कोर्ट है यहाँ, और जिसको सजा वजा दी जाती थी वो यहाँ से दी जाती है। और आप एक चीज़ मैं आपको और एक बताना चाहूँगा, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो ऊपर आपको दो विंडोज दिख रहे होंगे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, एक राजा की एक रानी की। अगर इस तरह से बनाया गया है, राजा हमको देख सकता है पहले आते हुए, मगर हम नहीं देख सकते, इसका आर्किटेक्चर उस तरीके से उस टाइप का बना हुआ है। तो उस टाइम से अगर रानी को देखने का क्या फैसला हो रहा, क्या हो रहा, तो वहाँ पर्दे लगे हुए रहते थे, तो वहाँ से वो पूरा देख सकते थे, मगर हम रानी को नहीं देख सकते या राजा को नहीं देख सकते थे। तो ये कोर्ट सिस्टम था, या कोर्ट था, सॉरी कोर्ट सिस्टम ही कोर्ट दिया, तो यह फैसले हुआ करते। अब आगे चलते हैं, मैं आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, दीवारों के कान हुआ करें, तो आप उसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा वो कैसे। ये रानी का, ये आप बोल सकते हैं रानी महल, बोल ही सकते हैं रानी महल है, मगर यहाँ दासी रहा करते, और ऊपर राजा का बेडरूम था। अगर राजा के खिलाफ कोई इन्होंने गलत बात बोल रही है या कुछ बोल रही है, तो राजा पूरा सुन सकता था, गलत बात हो या अच्छी बात हो, कोई भी बात हो, यहाँ से सुन सकता था। आप अभी भी देख सकते हैं कॉर्नर से, अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो कॉर्नर से सुने आता है, ये आज भी वर्क करता है। तो ये उस टाइम का एक अनोखा अजूबा है जो आज के तारीख में आपको देखने नहीं मिलेगा, जो दीवारों के भी कान हो सकते हैं, ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है। और ये इसको रानी महल लगाया जाता था, या दासियाँ रहा करती थी, सर्वेंट्स रहा करते थे। तो आगे चलते हैं, ये उस टाइम का स्टेज है, यहाँ राज गाना हुआ करता था। ये आप देखिए यहाँ और इस साइड में, यह दोनों जगह नगाड़े बजाए जाते थे, और वहाँ राजा और रानी बैठते थे। आप देखिए वो जो दिख रहा है, वहाँ राजा और रानी देख के इनका परफॉर्मेंस देखते थे, जो डांस होता था उस टाइम के, नाच गाना या गायकी जो कुछ भी होती थी उस टाइम पे। और वहाँ बाजू में लेडीज़ बैठती थी, और वहाँ जो दिख रहे हैं, वहाँ दिया जलाया जाता था, और बाजू में हीरा रखा जाता था, तो हीरे के वजह से पूरी रोशनी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत अनोखा एक स्टेज है, जिसके बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। और यहाँ फाउंटेन के फाउंटेन भी था, जिससे और इसमें खूबसूरती में चांचल आ जाती थी। तो ये उस टाइम से आप समझ लेंगे, उस टाइम को ऑडिटोरियम समझ लो आज के तारीख में, उस टाइम पे किस तरह से ये हाँ डांस परफॉर्मेंस होता था, और उस तरह से कैसे ऑडियंस देखती थी। तो अब ये तो हो गया, हम आगे चलते हैं, आगे कुछ नया देखते हैं। तो गाइस, ये मेरे आप देख रहे होंगे, ये तोप है, 7 किलोमीटर के अंदर 87 तोप्स है। और ये जो बहुत सी तोप्स है, इसमें आप देखेंगे सोना चांदी तांबा, ये मिक्सिंग का है, और बहुत से लोगों ने इसको निकालने की कोशिश भी की है, आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इसके मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव है उस टाइम का, तो इसलिए बहुत सारे तोप को गवर्नमेंट ने अपने इसमें रख लिया है, क्योंकि अगर शोकेस करते थे लोग कुछ ना कुछ करते थे। ये दो तोप है, ये जो मटेरियल है सोना चांदी तांबा उन सब के मिक्सिंग का है। तो ये पूरे 7 किलोमीटर के एरिया में 87 तोप्स हैं।
तो अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये रानी का बाथ टब था उस टाइम, ये बाथ टब था रानी का, और यहाँ ऊपर रानी के रूम थे जो 360 रूम थे, और जो नीचे थे नीचे दासियों के रूम थे। तो ये इस तरह से बनाया गया था, ऊपर रानी के रूम रहेंगे, नीचे दासी के रूम रहेंगे, और ये स्पेशल रानी का बाथ टब रहेंगे जो सिर्फ रानी यूज़ करेंगे। और आप ऊपर से देख सकते हो तो नीचे आने का रास्ता दिख रहा है। जब राजा को कभी भी नीचे आने का रहता था तो वो इंक्लाइंड रहते थे, जब पालकी में जो आते थे तो दो आदमी छोटे रहते थे नीचे और दो आदमी पीछे बड़े रहते थे, तो लेवल करने के लिए। तो जब राजा आता था तो उस टाइम में पालकी में आता था, और ये सब उसमें यानी इस तरीके से उनको लाया जाता था। ये उस टाइम का है, अभी तो बहुत सारा ये टूट गया है, ये पहले जब बना हुआ था उस टाइम बहुत खूबसूरत था। अभी देखते हैं, हम ऊपर चलते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या है। जो आप ये देख सकते हैं इधर, ये पहाड़ का बना हुआ है। पहले जो 11th सेंचुरी में जो राजा थे, काकरते राजा, उन्होंने इसको मिट्टी का बनाया गए थे, और जब मिट्टी का बनाए थे बाद में सुल्तान कुतुब शाह ने इसको फतेह करे, तो इसके बाद इन्होंने इसको पत्थरों का बनाया। आप देख सकते हैं पहाड़ था, पहाड़ से ही उन्होंने दीवार बना ली, उस तरीके से इसको उस टाइम पर बनाया गया था। और इसको बनने में 5-7 साल लगे, जो कि 3 पीढ़ियाँ बाप बेटा और दादा वो गुजर गए इसको बनाते बनाते। और यहाँ से पूरा हैदराबाद दिखता, आप देखेंगे वो, आप यहाँ से तो फलक नुमा पैलेस भी दिखता है, निज़ाम पैलेस भी दिखता है, और यहाँ से हर एक चीज़ दिखती है, ये इतने ऊंचाई पर है। तो आप यहाँ से इसका व्यू आप देखेंगे, एकदम बहुत खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा था पहले, मगर औरंगजेब बादशाह ने जब इस पर हमला किया इसके बाद ये पूरा टूट गया, आधा खंडर हो गया पूरा, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक बहुत खूबसूरत किला था। तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। दीवाने आम, यहाँ राजा और रानी बैठते थे, यहाँ इनका दरबार था, और यहाँ पूरी मीटिंग होती थी, फैसले होते थे, जो कुछ भी होता था, तो आगे कैसा सल्तनत को चलाना है, कैसा करना है, यहाँ से फैसले लिए जाते थे। ये दीवाने आम है, इसके ऊपर दीवाने खास है। तो अब ये दीवाने आम है, ये राजा में बैठने का था, और इधर आप देखेंगे ये रानी का बैठने का। यहाँ नीचे सब उनके मंत्री पूरी जो वो रहती थी कैबिनेट राजा की, वो यहाँ बैठती थी, और ये फैसले होते थे आगे कैसे क्या डिसीजन लेने का वो किया जाता था। ये बैठने की जगह राजा की, और बैठने की जगह राजा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैं एकदम टॉप पे आ चुका हूँ इसके, गोलकुंडा किले के, ये एकदम टॉप है। यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखेगा ये कैसा दिखता है, ये देखिए, ये उस टाइम का बना हुआ है, और ये बहुत खूबसूरती से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरा शहर दिखता है पूरा, ये आप देख सकते हैं, पूरा हैदराबाद यहाँ से दिख रहा है गोलकुंडा के ऊपर से। जितने भी बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े, पूरे नज़र आते हैं यहाँ से क्लियरली, क्योंकि शहर का पूरा ये टॉप एकदम टॉप पे बना हुआ है। ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गोलकुंडा, आपको ज़रूर आना चाहिए। आप देख सकते हैं हम वहाँ से आए थे, वहाँ से मैंने आपको बताया था, वो स्टेज था जहाँ राजा रानी बैठते थे, वो परफॉर्मेंस होता था डांसर्स का। आप देख सकते हैं मैं कितना ऊपर आना पड़ा, करीब इसको ऊपर आने के लिए 25 से 30 मिनट लगे। यहाँ ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जितने बार देखो उतना।